चोरी के एफआईआर दर्ज न होने से परेशान हुए परिजन, सतना एसपी को दिया ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मामला रामपुर बघेलान सतना जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सगौनी तिबनी पटेरी टोला का है, जहां पर बीते दिनों सगौनी ग्राम में 3 घरों में चोरों ने धावा बोला था और 3 लाख से ऊपर का सामान चोरी कर लिया था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके बाद परेशान परिजनों ने सतना एसपी को ज्ञापन दिया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज आप एसपी ऑफिस आए हुए हैं, किस चीज़ का ज्ञापन देने आए? सर, कल घर भाभी के घर में हमारी चोरी हुई है सर, इसीलिए स्थानीय रामपुर बघेलान गए थे, वहाँ हमारी रिपोर्ट नहीं दिखी गई। कल से मेरे को बिठाया गया, शाम तक, सुबह मैं 9 बजे गया था, शाम को 6 बजे तक मुझको बिठाए रहे, बोले कि अभी साहब नहीं, जब साहब फिर शाम को बोले कि अब आज नहीं हो पाएगा, कल आना। जब और एक नंबर दिए थे, उसमें बोले थे इस नंबर पर बात कर लेना, उस नंबर पर बात मैं किया तो बोले कि बरगद के पेड़ के पास बैठो, मैं अभी साहब को भेज रहा हूँ। जब वहाँ बरगद के पेड़ के पास मैं बैठा था तो साहब को स्टार लगा, कोई आए साहब आए तो बोले कि कौन है, कहाँ का है बैंक, कोई अधिकारी है, ऑफिसर है, कैसे कुर्सी में बैठा है, दिख नहीं रहा उसको कोई अधिकारी के सामने किस तरह बैठा जाता क्या है। तभी अब हम बोले कि साहब गलती हो गई, बैठे थे बगल में, हमारे रिश्तेदार के दामाद थे, भाभी के दामाद थे, वो बैठे थे कुर्सी में, तो उनको बहन चोर मैं उसकी बहुत गालियाँ दी, तो हम कहे साहब उनसे गलती हो गई, कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए, बैठ गए, तो इसी उसमें गाली देने लगे। फिर मैं उन्हीं साहब को फिर दोबारा फिर पूछने लगी कि प्रकरण किस तरह से कैसे बैठे, बाद में फिर गाली देने के बाद में पूछे कैसे बैठे। मैंने बोला कि कल हमारे घर में भाभी के यहाँ चोरी हुई, तो उसकी रिपोर्ट लिखाने आए थे, तो कल FIR की नकल नहीं दिए, तो आज देने के लिए बोले, तो मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ। तो बोले कि कैसे घटना हुई बताओ, बताएं कि चोरी भाभी हमारी घर में अकेली सोई थी, वहाँ पीछे दरवाज़ा तोड़ करके और चोर सामान निकाल ले गए घर से। तो बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता घर में कोई सोया हो और सामान चोरी हो जाए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं कैसे मान लूँ इस बात को। फिर यही कहते रहे, इसके बाद वो चले गए। फिर मैं फिर साहब उनको फ़ोन लगाया जो नंबर दिए थे, तो उनसे नंबर पर बात हुई, तो बोले कि बैठो हो गए, हम अभी कुछ देर बाद आ रहे हैं, फिर बात करेंगे। फिर एक आधे घंटे बैठे रहे, फिर नहीं आए, तो मैं चला यहाँ साहब SP ऑफिस ही बात करने की। SP साहब आपको मिले? जी सर। क्या आश्वासन क्या दिए हैं? आश्वासन दिए कि इसमें कार्रवाई होगी, इसकी जांच करवाएंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? दिनेश। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम सगौनी पटेरी टोला से।